दी रेवेन्यू पटवार एवं कानून को एसोसिएशन हरियाणा की जिला इकाई द्वारा लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि दी रेवेन्यू पटवार एवं कानून को एसोसिएशन हरियाणा की जिला इकाई द्वारा अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार से 3 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर पलवल लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो अब एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने 3 दिवसीय धरने को अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पटवार घर में धरना दिया गया। एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो मार्च 2021 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद में आयोजित कार्यक्रम में पटवारियों का ग्रेड पे बढ़ाने की घोषणा की थी, परंतु अभी तक इस घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। ग्रेड पे न बढ़ाने के विरोध में प्रदेश के सभी पटवारी व कानूनगो ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इसके तहत 19 से 23 दिसंबर तक कार्य समय में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया और 26 से 28 दिसंबर तक कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया गया। बावजूद इसके जब प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो अब उन्होंने अपनी 3 दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1200 पटवारियों के पद खाली पड़े हैं। एक एक पटवारी पर कई काम का बोझ है, उससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन लगातार यूं ही जारी रहेगा। सर, जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है ये हमारी ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग को लेकर है। जो एट प्रेजेंट है, जो पटवारियों का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस 1.5 साल का डिप्लोमा है। जो हमसे कम क्वालिफाइड लोग हैं वो हमसे ज़्यादा पे ले रहे हैं। दूसरा, हम इसको जो 2400 ग्रेड पे, हम 4200 की डिमांड करते हैं ताकि हमारा जो बेसिक पे है वो 35,000 हम 400 के अंदर चले जाएं, और उसी की डिमांड के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम साहब ने 29 मार्च को हमसे वादा किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक लॉलीपॉप ही साबित हुआ है। सरकार के पास हमने 19 तारीख से 23 तारीख तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया था, जिसकी सूचना सरकार के पास पहुंचा दी गई थी। फिर भी सरकार ने हमें ना तो हमें बातचीत के लिए बुलाया स्टेट प्रधान को, ना इसके बारे में कोई कदम उठाया। उसके बाद में 26 से 28 तक हमने 3 दिन का अनिश्चितकालीन, जो 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया था वो चलाया था, लेकिन 28 तारीख तक भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से हमें ये अनिश्चित काल के लिए धरना देना पड़ रहा है। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग वेतनमान है। जो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा टेक्निकल ग्रेड 34,500 के अंदर हमें लिया जाए। सरकार